मोदी जी कहते हैं कि देखिए, जब से मैंने ये सवाल आज पूछा था अनंत कुमार जी को, उन्होंने तीन बड़ी उपलब्धियां सरकार की दी। कहा जनधन योजना, जिससे गरीब को बैंक अकाउंट्स मिले हैं। नंबर टू उन्होंने कहा सोशल सिक्योरिटी, अटल बीमा योजना उन्होंने शुरू की है, गरीबों को सोशल सिक्योरिटी मिल रही है। और तीसरी बात उन्होंने कही कि देश में एक उत्साह भी आया है और दुनिया मान रही है कि मोदी जी एक अहम नेता बन गए हैं, देश के प्रमुख नेताओं में से एक बन गए, जिससे देश का गौरव बढ़ा है। ये तीन उपलब्धियां उन्होंने दी और आप कहते हैं कि वो फेल हुए हैं। आप बात आपने रख दिया, प्रश्न रख दिया, तो जो मंत्री लोग आके आपको बताए, उनको कल मंत्रिमंडल से निकलना है? घिसी घिसाई बात, और उस बात पर आप विश्वास कर रहे हो? सबसे बड़ी बात यह है कि देश के जनता को जो आपने फेंका, जो पिटारा फेंका कि 26 लाख करोड़ और इसी धरती पर, इसी हस्तिनापुर में रामदेव जी से लेके अन्ना जी और सब जी और सब लोग, और हम लोग पार्लियामेंट के अंदर भी जब हम थे, कि काला धन, विदेश वाला, स्विस बैंक वाला, और यह आरोप लगा था कि ये देश के बीजेपी को छोड़ के इन लोगों ने प्रचार किया था कि कांग्रेस के नेताओं का, मेरा भी नाम लिया था राज्यसभा में, एक आरएसएस का बीजेपी का एमपी पेपर भी फेंका था, चाय के दुकान में पहुंचाया था कि लालू यादव का 29,500 करोड़ है, वो खाता होता भी जाली भिक्रिस की जिपली से कोई, और विदेश में जो नहीं जो निकालते रहता। तो सबसे पहले जो आपने कहा कि एक महीना में हम 26,50,000 करोड़ रुपया ला करके देश के 125 करोड़ भारतीयों को, मान लो हमारे घर में 10 सदस्य है हमको लेकर के, तो उसमें मेरा भी एक आदमी का हिस्सा हुआ 15.5 लाख, और सबका गुना कर दो तो कितना लाख हो गया रुपया। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं कि काला धन सरकार ने वापस नहीं किया, लेकिन सरकार कहती है कम से कम एक साल में कोई बड़ा घोटाला तो नहीं हुआ। अब आप जो आपकी सरकार में हुआ करता था, बिहार में हो या देश में, आप जंप मत करिए इधर उधर, आप एक जगह स्थिर रहिए। नहीं नहीं, आपने करप्शन, बात सुनिए, ये सवाल अभी अमेरिका में किसी से पूछे थे तो झगड़ा वगड़ा हुआ था आपका, सब लोगों ने आपने काला धन का सवाल उठाया। पूछ, बोलने दो ना भाई। नहीं नहीं, पर आप बताइए, आप बोलने नहीं देते, यही दुर्भाग्य है हम लोग का। हम मना कर रहे थे, काहे को राजदीप को बिठा दिया। मोदी जी कहते हैं एक भी बड़ा घोटाला नहीं हुआ। बात तो सुनो ना पहले, यहाँ आओ ना। आप नंबर पूछ रहे थे, क्यों डरते हो जी, क्यों डरते हो सरकार से? सच्चाई बात करो तो 26,50,000 करोड़ रुपया में मोदी जी के पार्टी के अध्यक्ष जी ने यह कह दिया कि भाई वो तो जुमला था, जुमला। आप पूछा, हमने कहा कि जो एमपी को आप भेज रहे हैं गांव में सब पिटाएगा, जनता पकड़ेगी सबको, कि काला धन वाला क्या हुआ? तो ये काला धन वही नहीं, सबसे बड़ी बात है कि देश का नौजवान, 35-35 नौजवान, सभी जात सारा बिरादरी का पढ़ा लिखा लड़का समूचा लैपटॉप पाके पीठ पर लाद के आईटीयूट ये सब करने वाला, ये सबसे बढ़ चढ़ के आपको वोट दिया। आपने कहा था कि हर साल 5 करोड़ नौजवानों को हम नौकरी देंगे, बताओ कहाँ है नौकरी? डीओपी, आप जर्नलिस्ट हो, आप लोगों को तो विभाग में जाने नहीं देता होगा लोग, ये मनमोहन सिंह जी का सरकार नहीं है तो आप लोगों वहाँ पर डीओपीटी वहाँ सरकार का आदेश चला गया कि एक भी नौकरी कहीं भी कोई जगह पर बहाली नहीं होगी। अगर झूठ है तो हम बोलो हम संन्यास ले लेंगे, संन्यास में तो हम बैठे। नहीं, लालू जी, सवाल ये होता है, एक मिनट, सवाल ये होता है कि आपकी सरकार रही, यानी यूपीए की सरकार रही 10 साल, जिसमें आप 5 साल उस सरकार में शामिल थे। लोग कंपेयर कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि यूपीए सरकार की उपलब्धियों को देखिए और एनडीए सरकार की उपलब्धियों को। मोदी जी कहते हैं कि यूपीए के सरकार में स्कैम, घोटाले पर घोटाला होता था। चलिए अब मैं बताता हूं, ये घोटाला
आ कौन घोटाला नहीं घोटाला, आ कब आवेगा घोटाला, कब निकलेगा घोटाला, तो आप कंक्लूड मत करिए कब क्या होगा नहीं होगा, आप ही देखते चले। आज तक तो नहीं हुआ ना, पहले साल में अभी तक तो नहीं हुआ। तो वहां क्या हुआ, वहां कौन सा घोटाला हो गया? देश का लक्ष्मी, इसमें व्यवसायी लोग बैठे होंगे, बंबई में भी होगा, जहां भी होगा, आपके टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे, एक नंबर का जो जिनको हम पूंजीपति कहते हैं, देश का जो लक्ष्मी है, ये पलायन कर रहा है, बाहर भाग रहा है। क्यों? देश का लक्ष्मी जो आपका तिजोरी भरता है, जिसने बढ़ चढ़ करके आपको वोट करवाया था, सारा जगह प्रचार करवाया था, सब जगह काम किया था, ऑल आर वीपिंग, जैसे अंग्रेजों को हटाने के लिए क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था, उसी तरह से व्यापारी लोग अब क्विट इंडिया कर रहा, भारत ओके इंडिया बाय बाय, हम इसलिए नहीं, हम कमाए थे। आपने इंटरेस्टिंग पॉइंट कही है, आप कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं, बात सुनो, नहीं एक मिनट, आप कह रहे हैं वही उद्योगपति जो मोदी जी को समर्थन कर रहे थे वो देश छोड़कर अब बाहर जा रहे हैं, अपनी संपत्ति अपनी लक्ष्मी बाहर ले जा रहे हैं। दूसरी तरफ लालू प्रसाद जी, राहुल गांधी कहते हैं कि ये सूट बूट की सरकार है, एक तरफ आप कहते हैं सूट बूट की सरकार है, दूसरी तरफ आप कहते हैं उद्योगपति देश छोड़ रहे हैं। आप ले गए हल्का बात पर, ले गए सूट बूट पर। देखिए मोदी जी को हल्की बात सुनिए, मोदी जी को शौक है खान पान या पोशाक पर, हम कोई कमेंट करना नहीं चाहते हैं। एक तो बात है ना मोदी जी में भाई, टाई नहीं बांधते हैं, हमने कहा था कि NRI हैं, मौका मिला है तो सारा दुनिया देखने दो ना भाई उनको, मोदी जी को देखना चाहिए भी, अनुभव होगा, सब बात होगा, लोगों से मिलेंगे जुलेंगे। आप कह रहे हैं मोदी NRI बन गए हैं, पहले ही बोले थे, भूल जाते वो बात। अटल जी का स्वदेशी, BJP के लोगों, बाहर में जो होंगे RSS के लोग, बताओ RSS का स्वदेशी, स्वदेशी बात आपने की थी, अटल जी के अनुयायी होने का दावा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री। तो मोदी जी बताइए कि जाड़ा छोड़ के फुल पैंट और कभी कभी कोट पहन के अटल जी जाते थे, लेकिन अधिकांश धोती पहन के जाते थे बाहर, धोती धोती हमारे अतीत का, भारत का वो पहचान है। तब खैर जा रहे हैं, जाने दीजिए स्वयं, हम क्यों कोई कमेंट वमेंट पास करें? आपने कमेंट कर दिया, आपने कहा कि आप पोशाक पर बात नहीं करेंगे और अब आप कह रहे हैं कि धोती नहीं पहनते नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र धोती पहन के जाए ना, आगे के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये दूसरा बात सुनो, तो किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या कर रहा है, नौजवान मारा मारा चल रहा है। तो UPA के टाइम पे भी 2000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी, तो इसलिए आपने कहा था ना कि आत्महत्या हो रहा है, हम नहीं होने देंगे, मेकिंग इंडिया। बताओ, नहीं ये बोलने के लिए अच्छा हुआ आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हम बोलेंगे यूपीए की सरकार हुई तब भी किसानों की आत्महत्या होती थी। अब फर्क क्या है? मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं होती थी, आप बोल रहे हो ठीक बोल रहे हो, लेकिन मोदी जी अभी गए थे चीन में कि आइए हिंदुस्तान में आइए, वहां पर इन्वेस्ट करिए, मेक इन इंडिया करिए। अरे दुनिया में चीन फैला हुआ है और सारा माल ठेले हुए है चीन, और चीन का सारा लोग खरीद रहा है, कंज्यूम कर रहा है, बल्ब से लेकर प्लास्टिक से पंप से लेकर के सारा चीज, छुरी से लेकर सारा बात, पुराने गए आइए, आपके बुलाने से कि माल पूरा ठेले हुए पहले ही से, आप क्या कर रहे हैं? नहीं गलत क्या है मेक इन इंडिया में? कौन पर नहीं मेक इन इंडिया में गलत क्या है? अगर गलत ये है कि आपने हवाबाजी करके वोट ले लिया, अब आप सब जवाब दिखा रहे हैं, जैसे भारत के, जैसे हम बोलते थे पहले, आप लोग हमको मजकिया बोलते हैं कि लालू जोकर है, कमेंट करते हैं समरान प्रांत के लोग, मतलब बात सुनो पहले, मैंने कभी आपको जोकर नहीं, आप भारत गांव में नहीं, पता नहीं तुम गांव में नहीं हो, हमारी गरीब मैया जिसको भोजन नहीं है, जिसके थन में दूध नहीं है, गोद में बच्चा है, दूध के लिए बच्चा जब बिलखता है
तब भारत के गांव में मैया गरीब बेटिया बच्चा को इसे गोद में लेके चांद के तरह इशारा करके चंदा मामा आरे आओ पारे आओ नदिया किनारे आओ सोना के कटोरिया में दूध भात लेके आओ आ मुन्ना के महुआ में घुटूक दूँ अपना ऊँठा डाल देती है। वही है जब आप फेल हो गए हैं तो आप मेक इन इंडिया क्या भाई, ये 1 जून से जब और महंगाई बढ़ेगी, ये जो अभी जो बढ़ा है टैक्स बढ़ा है, सर्विस टैक्स बढ़ा है, जहाज हो जाएगा महंगा, बोलते थे महंगाई घटी, बात सुनो, लेकिन लेकिन महंगाई घटी है, सरकार का कहना है कि महंगाई घटी है, तेल के दाम आप लीजिए घटे हैं, सरकार का कहना है कि अजय आदि भाई बोले दो, मोदी जी बोलते थे, देखिए हम लोग बार बार बोलते थे मनमोहन सिंह जी के समय में भी, हम लोग भी और आप लोग भी, सब विद्वान हमसे ज्यादा विद्वान बैठे हैं, कि तेल का दाम वर्ल्ड मार्केट में वहां से निर्धारित होता है, फ्यूल का 65 रुपया पर हमारा हो गया है इंडियन करेंसी का 65 रुपया आप दीजिए तब एक हुआ वो एक डॉलर। अब यहाँ देखिए, और जब दाम कम हुआ तो मोदी जी बोलते थे कि हम बहुत भागशाली हैं, और 10 रुपया बढ़ गया तो आपके भाग में तो अब लगने लगा था, बताओ। यानी आप कहते हैं कि मोदी जी क्रेडिट ले रहे हैं इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, जब असली क्रेडिट, अरे कमर तोड़ महंगाई है, दाल गायब हो गया थाली से, दाल मिल रहा क्या, दाल ये आपका कहना है, हमारा कहना नहीं, जाओ मारो 30 रुपया 40 रुपया मूंग का दाल, रहर का दाल, तूर का दाल 120 रुपया किलो है, मतलब दाल मिल रहा है, और आप बैठ करके यहाँ पर बोल रहे हैं, यानी आप कह रहे हैं कि एक तरह से आपका कहना है कि मोदी जी एक तरह से एक मिनट आप कह रहे हैं कि जिस तरह से वाजपेयी जी के सरकार में इंडिया शाइनिंग हुआ था उसी तरह से ये मेक इन इंडिया है शाइनिंग। आपसे ये पूछना है, लेकिन क्या आप मानते नहीं है कि अभी भी जनता जो है, जो 1 साल पहले जिन्होंने मोदी जी को वोट दिया था, वो अभी भी ज्यादातर मोदी जी के साथ है, एक मौका उनको देना चाहती है, आप जो भी कहें, आप बात वो सबसे लोकप्रिय नेता है देश के। देखिए उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं, पीएम है देश का, पीएम होता है, लेकिन जो बोल के आए, हम सुना कि रविशंकर भी आए थे यहाँ आपके इसमें, कुछ कमेंट वमेंट किया कि लालू के कन्हा पर चढ़ के नीतीश कैसे शासन, कुछ बोला है, वो हमारा जूनियर था, असिस्टेंट सेक्रेटरी था रविशंकर। तो ये जो आपने कहा था, आप बताओ कि किसान तो आत्महत्या कर ही रहा है, और इसमें कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे रोड सारा ठप पड़ा हुआ, सारा 15 किलोमीटर, नितिन गडकरी कहते हैं 15 किलोमीटर रोड हर दिन बना रहे हैं, हर दिन के 15 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। वो मिट्टी ढो रहे हैं बैठ करके वहाँ, नहीं बात कर रहे हैं, ये बना रहे हैं, अलकतरा उनके पैर में लग रहा है। अब 5 करोड़ नौजवान के अलावे हेल्थ में 18 हजार करोड़ का ये सरकार ने कटौती किया, ये गरीबों को हेल्थ की सुविधा नहीं मिल रही है, समूचा काट दिया 18 हजार करोड़, इस फिगर को झुटला दो तो, शिक्षा हमारा जो प्राइमरी शिक्षा है 12 हजार करोड़ का कटौती हो गया, वही नहीं मोदी जी का उपलब्धि एक है, मैं मानता हूं। क्या उपलब्धि है? एक उपलब्धि है मोदी जी का कि सब मंत्री के ऊपर गेट से लेकर के और खेत तक आरएसएस को बैठा दिया है कि देखो ये क्या करता है नहीं करता है, और अफसर सेक्रेटरी को ऊपर और मंत्री को नीचे, ये क्या पता कर लिया। आप कह रहे हैं कि मोदी जी हर मंत्री की निगरानी कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं, और त्रिमूर्ति की सरकार है ये सरकार, मोदी जी का त्रिमूर्ति का सरकार, कौन है त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति निकालो कौन है आप बताइए, आप बताओ, नहीं आप बताइए, कोई मंत्री का भाई, आज एक एमपी आ रहे थे हमारे साथ, तो आपकी सरकार भी थी, बात सुनो ना भाई, सरकार थी, अरे उनका सोनिया गांधी के हाथ में रिमोट कंट्रोल था, सोनिया गांधी का मुकाबला करेगा कोई क्या,
सोनिया गांधी पैस लेजी उसका कोई मुकाबला करेगा? नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, कांग्रेस को जीतना हारना वो अलग बात है, सोनिया गांधी जीतना हारना अलग बात है, वो अलग बात है। ये पतन शुरू हो गया इस सरकार का, आखिरी और ये सरकार का पतन शुरू हो गया। हम ये नहीं कहते, हम कोई गाली गलौज देने के लिए नहीं आए हैं, यथार्थ पर बहस करो, यथार्थ पर बहस करते हैं। आखिरी सवाल जो है, बिहार में चुनाव इस साल होने जा रहे हैं नवंबर के महीने में, सबकी निगाहें एक बात पर है, क्या आप और नीतीश जी साथ आएंगे और नरेंद्र मोदी और भाजपा के सामने आप एक यूनाइटेड ऑपोजिशन रखेंगे? सवाल है, सीधा है, जवाब सीधा दीजिए, क्योंकि अभी तक ये पता नहीं चल रहा है कि ये मर्जर जनता परिवार का होने वाला है या नहीं। ये बात सुनो, आप बुलाए थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का एक साल के उपलब्धि पर आपको क्या वक्तव्य देना है जी, और बात को डाइल्यूट मत करो। नहीं नहीं डाइल्यूट नहीं, बात सुनो, आप नहीं नहीं यार बात सुनो, आप बात को डाइवर्ट मत कीजिए, डाइवर्ट ना करें, मेरा सवाल आप नहीं, हम आई वाज इनवाइटेड टू कमेंट ऑन दी वन ईयर मोदी गवर्नमेंट। सही है, मैंने आपको, आप चलो बिहार का बात बिहार में चलो पूछो अलग से। नहीं मेरा ये मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग आज का सवाल था, क्या अच्छे दिन आएंगे? अच्छे दिन विपक्ष के लिए तभी आ सकते हैं जब आप एकजुट हो जाएं। क्या आप एकजुट होने अच्छे वाले दिन या नहीं? अच्छे दिन मोदी सरकार के विषय में अच्छे दिन चले गए कौन दिन में? अभी बहुत बात मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, यानी आप जवाब नहीं देंगे ना इसका, यानी नीतीश जी और आपका नहीं, बिहार का मामला बिहार में चलो पूछो अलग लगाओ दुकान यहाँ पर दूसरा दुकान लगा लगाओ यहाँ पर मर्जर होगा या नहीं? अरे भाई हम लोग मर्जर के सब तरह के सब चीज के पक्षधर हैं, उसके लिए अलग फोरम है, अलग नेता हैं, होगा। अब बताइए मुलायम सिंह यादव जी को हम लोग अधिकृत क्या हो, जो देंगे फंडिंग दोगे, बात करके बात होगी। आखिर में अगर आप नरेंद्र मोदी जी को कोई आज सलाह देना चाहें या नरेंद्र मोदी जी की सरकार को कोई सलाह देना चाहें, क्योंकि आपके बेटी की शादी में वो आए थे, क्यों नहीं भाई, बिल्कुल, और वो हीरो नंबर वन की तरह वहाँ स्टेज पर थे। एक मिनट, फंक्शन में आएंगे, हाँ सोशल फंक्शन, तो मैं पॉलिटिकली आज राजनीति, आप एक तरह से ऐसे एक राजनेता हैं जो नब्स पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ आखिर में, अगर आप मोदी जी को आज एक साल के उनके एनिवर्सरी पर कोई एक सलाह देना चाहें तो वो क्या होगी? कोई टेक ऑफ ही नहीं ना किया ये सरकार, टेक ऑफ नहीं किया, नहीं टेक ऑफ नहीं किया है पर सरकार आपको बताते हैं, तो प्लेन वही की वही है। अभी तो दुनिया में परिक्रमा कर रहे हैं, अभी परिक्रमा कर रहे हैं, ऐसा ही परिक्रमा कर रहे हैं कि धरती हिलने लगा, भूकंप आ रहा, लोग घर छोड़ छोड़ कर भाग रहे हैं। अरे सर डायरेक्ट देखा नहीं क्या? ये अभी घूमने दीजिए इनको, घूमने दीजिए, घूम घूम के आएंगे तो उनका पतन शुरू हो गया, वो देख रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। तो आप क्यों सीआईजी बैठाया भाई आपने, तो मंत्रियों के ऊपर क्यों एमपीओ के ऊपर सीआईजी बैठा? तो आप आरएसएस लोग, तो आपकी सलाह है मोदी जी को कि देश में ज्यादा समय बिताइए, आपको मैंडेट मिला आप काम करिए, ज्यादा जो जो वादा आपने किया है, नौजवानों को नौकरी क्यों नहीं दिया, किसानों का जमीन भू अधिग्रहण बिल खतरनाक क्यों लाया? लालू जी समय खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा तुम डरा रहे हो इसलिए हम खुले मन से एक सवाल ले लेंगे, एक आखिर का एक ही सवाल, या क्योंकि आप बीजेपी से हैं एक सवाल जरूर पूछिए, एक ही सवाल, क्योंकि उसके बाद हम थोड़ा मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं डॉक्टर दीपिका शर्मा हूं और मैं भाजपा की प्रवक्ता हूं। लालू जी ट्रू टू योर प्रॉमिस, आपका जो ये आधा घंटा का जो सेशन था इट वॉज बेटर देन कॉमेडी नाइट, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूं, सर्विनेश ये आपको कॉम्प्लीमेंट है लालू जी, बट गवर्नेंस इज अ वेरी वेरी सीरियस इशू, इट इज सर्टनली नॉट कॉमेडी नाइट्स। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, जितनी भी आलोचना होती है, जितनी भी क्रिटिसिज्म होता है, वो सदा कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए और तथ्यों पे आधारित होना चाहिए। ये आपसे मेरा सविनय अनुरोध। मैडम आप जैसे अभिजात वर्ग के लोगों से यही हमारी अपेक्षा थी कि आप क्या सोचती हैं? नहीं है ना, नहीं इसको पहले ही बोल दिया आपने कि लोग बोलते हैं कि लालू कॉमेडियन है, लालू जोकर है, आप जो कॉम्प्लीमेंट की दी हमको थैंक यू, लेकिन इसके
इसके लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ेगा सर। इंडिया खत्म होना चाहिए। सर ऐसा है कि हमेशा आप देखेंगे इतिहास में जो कमीडियन होता है वो सच्ची बात रखता है। बात सुनो, आप जो मैडम जो बोली आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको टीवी पर मैं डिबेट करते हुए देखता हूँ, साधु संतों के बीच में मैं देखता हूँ बहसों में। ऐसा नहीं है, देखो यथार्थ और सच्चाई पर बहस करना चाहिए। विफुल देश की जनता हमेशा विफुल होते रही है। सब तबका के लोग, सभी तरह के लोग, कोई खुश नहीं है। आप इसको झांको, सत्ता के नशा में आप मत रहना कि सब कुछ ठीक है। नहीं, आप कह रही है सरकार सत्ता के नशा में है, सत्ते के नशा में। चलिए लालू जी, नहीं इनको एक्सप्लेनेशन पूछ देगा ना कि लालू बोल रहे थे आप, तुम कुछ नहीं बोली इसलिए इनको डर से। लालू जी हमारा समय बिल्कुल खत्म हुआ है। नहीं, अश्विनी जी समय बिल्कुल खत्म हुआ है, पूछा दीजिए। अश्विनी जी समय खत्म हुआ है, नहीं तो हम जरूर आपका सवाल ले लेते। खादी पहन के देश को लूटना अच्छा है या सूट पहन के ईमानदारी? स्वदेशी और खादी और टोपी है ना, और मनना रंगाए जो भी कपड़ा, याद है? आप जवाब मैं देख रहा हूँ, आप जो पूछ रहे हैं, हमने सूट पूट पर कोई कमेंट नहीं किया। आपको हर्ट नहीं होना चाहिए। बस देश लूटना, इस चीज के तह में मैं नहीं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग ईमानदार हैं इस देश में। टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा, टॉर्च लेके ढूंढना पड़ेगा जो दूसरे को चोर और बेमान कहते हैं। लालू जी यहाँ इस मैं जानता हूँ क्या होता है। अभी सब डिबेट का जगह नहीं है, आप ओपन लाइए, बात बात बताते हैं हम लोग। ऐसा करते हैं अगली बार जब हम इस तरह का कार्यक्रम करेंगे, हम मोदी जी को कहेंगे लालू जी के सामने आए, आप दोनों के बीच में एक दिन डिबेट कराएंगे। तो आप करा दीजिए अति उत्तम है। चलिए लालू जी, क्या मोदी जी से मारामारी करेंगे हम? जो वो बोले हैं वो लागू क्यों नहीं हुआ और हमको उम्मीद नहीं है? दे दीजिए रिसोर्स, दे दीजिए रिसीट, पैसा कहाँ है बताओ? कहाँ है पैसा? क्या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप? कहाँ कंप्लीट करिएगा बाहर में? बात को समझना चाहिए। अब हर आदमी हम 2 रुपया किलो चावल देंगे, हम 1.5 रुपया किलो आटा देंगे। लालू जी अब वो अलग सवाल है और उस पर हम किसी और दिन बात करेंगे। आज आपने अपनी बात रखी जनता के सामने, देश के सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। लालू प्रसाद यादव, प्लीज गिव हिम अ वेरी बिग हैंड। और धन्यवाद स्वरूप, आपको एक छोटी सी भेंट के लिए मैं आज तक के मैनेजिंग एडिटर सुप्रिय प्रसाद से निवेदन करूंगी कि स्टेज पर आए। पहुंचेगा गिफ्ट लेना।